वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। तो सबसे पहले वो लोग हाथ उठाएं जिनको लगा था मैं नहीं आऊंगा। लक्ष महेश्वरी, एवरीवन कम ऑन, पुट योर हैंड्स टुगेदर, हैंड्स अप इन द एयर। हेलो एशियन परिवार, कहानी सुनना चाहोगे तो जोर से कहो हाँ। वाह भाई, 100 रुपए। आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि भाई आज मैं जा रहा हूँ एक दिल्ली पे इवेंट अटेंड करने के लिए, और फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आज मैं मिलने वाला हूँ MS धोनी सर से। तो भाई मेरी बस है 5 बजे की मॉर्निंग की और अभी बज रहे हैं भाई 4:30। लिटरली भाई ये जो स्पेशल दिन है ना भाई, ये ख़राब होते जा रहा है। करेक्ट, 5 बजे की बस है। आप आ गए, नहीं तो इससे पहले मैंने 2 कैब बुक करी ना और उनने कैंसिल कर दी। इतना क्या बताओ भाई, आज का दिन क्या हो रहा है। देखो मैंने बस से उतर गया भाई आधे उसमें, क्योंकि बस दूसरे रूट पे जा रही है, मुझे दूसरी जगह जाना है। मेन बात यह है कि भाई मैं लेट हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा। साइड होटल क्राउन प्लाजा रोहिणी में। कितना लोगे? हाँ, कितना लोगे? होटल है बड़ा, 5-स्टार होटल। कितना लोगे? 150। कम नहीं करोगे क्या? फायदा उठाना होता है ना। मजबूरी नहीं, ये है कि मेरा ना 12 बजे से पहले वहाँ पहुँचना है। कितने किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से? अभी तो मेरे को टाइम भी नहीं था कि मैं ओला देखूँ। ये तो मेरी इंसानियत है। नहीं आप मतलब सही है कि मेरे को सही टाइम पे सही लोग मिल जाते हैं मुझे कहीं पे भी। मेरे को अच्छे लोग ही मिलते हैं वैसे। अच्छे को अच्छा मिलेगा, सही बात है। उसको ऑटोमेटिकली खराब मिलेगा, सही बात है। बस महेंद्र सिंह धोनी से मिलने जा रहा हूँ। Head northeast on उनका एक प्रोग्राम है तो उनने इनवाइट किया हुआ है। एक कम ब्रांड है ना एक। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। टाइम से पहुंच गए हम क्राउन प्लाजा। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अभी होटल क्राउन प्लाजा में, और भाई ये मुझे मिले हैं अभिषेक भाई, इन्फ्लुएंसर हैं ये भी। लग रहे सो गाइस भाई एकदम जल्दबाजी में आए और ऐसे फटाफट से हमने चेंज वगैरह कर लिया अपना आउटफिट। जो भी हो सका इतना ही हो सका। अब हम चलते हैं भाई जो मेन जो इवेंट होने वाला है उसके लिए, जिस चीज़ के लिए हम आए हुए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं तो वही चल रहा था कि Amazon ही और कंटेंट का कोई आइडिया नहीं आ रहा था कि ऐसे करना है ऐसे करना है। सो गाइस वी आर इन इवेंट ऑफ एशियन फुटवेयर्स और अभी हम वेट कर रहे हैं भाई MS धोनी सर के आने का। बाकी यहाँ पे हम अभी अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जो कि हमारा काम है, तो वही सब अभी शूट वगैरह कर रहे हैं। बाकी आप देख सकते हो भाई काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, बट मुझे इतना है कि एक बार धोनी सर से मिलने का मौका मिल जाए। भैया भूख सी लग रही है, धोनी सर अभी लेट आएंगे लग रहा है, तब तक हम थोड़ा कुछ स्नैक्स वगैरह लेते हैं। मैं पूरा रेड कार्पेट दिख रहा हूँ। अच्छी आ रही, स्मार्ट लड़के। हमने अपना लंच ले लिया है, कर लिया है, और अभी अब हम वेट कर रहे हैं कब MS धोनी सर आएंगे। और काफ़ी सुबह 11 बजे 12 बजे बुला के वेट पे अभी बज गए हैं। ठीक है भाई, ढाई सेलिब्रेशन ढाई बज गए, अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कब हमें दर्शन हो माही भाई के। चिल्ला देंगे धोनी सर, दौड़ लें, यहाँ से कूद के चलेंगे, 500 उठा के फेंक देंगे। तो भाई
भाई हमें मिले हुए हैं हमारे मेरठ के नए दोस्त और भाई ये हमारे दिल्ली के भाई ये दिल्ली से आए हैं मैं मथुरा से आया हूँ आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वैकेट द फर्स्ट टू रोज ऑफ द सीट मुश्किल से मैंने हमने ये सीट जो ऐसे कैप्चर करी है ना भाई खाना आना आ गया और वो बोल रही कि फर्स्ट टू रोज खाली करो हमारी जान अटक गई है So that, ladies and gentlemen, आप हमारे साथ कर सकें आप सभी के साथ भाई पहले बता ही नहीं कि भाई आगे की सीट्स खाली रखनी है इतनी भीड़ हो चुकी है अब तो मुश्किल लग रहा है कि मिलना भी यहाँ पे I know everybody is waiting for the legend who needs absolutely want to put your hands together because मुझे ऐसा लगता है जब हम किसी को special personality को introduce करते हैं तो वो through storytelling ही incomplete होता है so everybody please put your hands together as we welcome on stage Laksh Maheshwari everyone come on put your hands together hands up in the air hello Asian परिवार मैं पेशे से कहानियां सुनाता हूँ कहानियां आप सब कहानियां सुनते हैं सभी को कहानियां पसंद है यहाँ बैठा हर शख्स अपने आप में पूरी कहानी है सोच कर देखिए वो सारी कहानियां जो पूरी की पूरी कहानी की किताब है और कुछ भी नहीं आपके घर की ईंटें होती हैं वो कहानियां कि एक भी अगर ईंट गिर जाएगी तो सब कुछ नीचे आ जाएगा कहानी सुनना चाहोगे जोर से कहो हाँ वाह भाई 100 रुपए एक गाँव बहुत पहले एक गाँव था उस गांव में दो बहनें रहती दोनों बला की खूबसूरत इतनी खूबसूरत थी जैसे गांव वालों को नाज था कि ये बहनें हमारे यहाँ रहती दो बहनें थी एक का नाम था सत्य और दूसरी का नाम था कहानी दोनों बड़े प्यार से खुश मिजाजी से उस गांव में रहा करती थी हुआ कुछ यूं कि एक दिन उस गांव में एक फकीर आया फकीर समझते हैं दोनों बहनों ने उस फकीर की खातिरदारी सेवा इतने अच्छे से की कि जाते जाते तोहफे में वो फकीर उन्हें एक आईना दे दोनों बहनें पहली दफा आईना देख रही थी सबसे पहले सत्य ने आईना उठाया अपने आप को आईने में देखा और कहने लगी कि अरे मैं कितनी खूबसूरत हूं मुझसे ज्यादा खूबसूरत तो और कोई हो ही नहीं सकता गुरूर कर बैठे ऐठड़ में आया अगली बारी कहानी की थी कहानी ने आईना उठाया उसने कहा नहीं ज्यादा खूबसूरत मैं दोनों बहनों में झगड़ा सा हो गया अब ये बात तय कैसे कि ज्यादा खूबसूरत कौन तो लगी एक शर्त ऐसी लगी कि दोनों बहनें एक एक करके गांव के बीचों बीच चौक तक पैदल चल चल जाएंगे जिसके पैदल चलने पर ज्यादा गांव वाले तालियां बजाएंगे वाहवाही करेंगे सीटियां मारेंगे वो बहन जीत जाएंगे पहली बारी सत्य की थी चल पड़ी बड़े गुरूर में ऐठड़ में कि मेरा हुस्न देखकर तो लोग बावले हो जाएंगे हुआ बिल्कुल उल्टा लोगों ने सत्य को देखा और डर गए डरकर अपने अपने घरों के अंदर भाग गए जहां जहां से सत्य गुजरते लोग उसे देखते डर जाते दरवाजे बंद कर लेते खिड़कियां भी बंद कर लेते सत्य चौक में पहुंची तो जैसे पूरा गांव खाली हो चुका था तब घर में बैठे कहानी ये सब कुछ देख रही थी तो कहानी ने एक तरकीब लगाई कहानी ने श्रृंगार करना शुरू किया श्रृंगार समझते तो कहो हाँ तुम यही हो कहानी ने श्रृंगार करना शुरू किया सबसे पहले लहंगा गिंगाम का पहना सर पर एक सुर्ख चुनर ओढ़ी माथे पर बिंदिया आंखों में काजल गालों में लाली पैरों में पायल और पैरों की 10 उंगलियों में 10 अनवट बिछिया पहनकर तैयार हो गई और कहने लगी कि अब मेरी बारी फिर जैसे ही कहानी ने पहला कदम गांव में रखा उसके पायल की आवाज आई छछ और उस छछ के पीछे जो दरवाजे बंद थे वो खुलने की आवाजें आने लगी जहां जहां से कहानी गुजरती लोग उसके पीछे पीछे चलने लगे नाचने लगे गाने लगे चलते चलते कहानी वहां पहुंची जहां सत्य अकेली खड़ी रो रही थी कहानी ने जो सत्य से कहा वो बात बताने के लिए मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई है बहुत ध्यान से सुनिएगा जो सत्य वहां अकेली खड़ी रो रही थी जिसको देखकर लोग डर गए थे दरवाजे बंद कर लिए थे और कहानी के लिए तालियां बजा रहे थे तब कहानी ने सत्य से कहा कि सत्य जब भी लोगों को सच दिखाने की बारी आएगी उसे कहानी की खूबसूरती का सहारा लेना ही होगा बिना कहानी के श्रृंगार के बिना कहानी की खूबसूरती के किसी को सच देखना पसंद नहीं मजे की बात यह है कि आप लोगों को बात बताने के लिए भी एक कहानी मुझे कहानी का सहारा लेना पड़ा तो ये खूबसूरती होती है कहानी के अंदर
हर कहानी के पीछे एक सच छुपा होता है, जो हमारा काम होता है देखना, ढूंढना, समझना। An Indian captain left the World Cup after 28 years, and the man behind it all is none other than our own very own Mr. M.S. Dhoni. और मुझे information मिल गई है कि वो आ चुके हैं, तो मैं बिल्कुल और time नहीं खाऊंगा। आप लोग बहुत time से इंतजार कर रहे हैं, मैंने कहानी जितनी short कर सकता था सब कर दी। ये वो शख्स है जिन्होंने आप सबका भार, आप सबका बोझ, पूरे 150 करोड़ लोगों की expectations का बोझ अपने कांधे पर उठा रखा था। तो आप सब खड़े होकर इनका ऐसे इस्तकबाल कीजिए जैसे इन्होंने भारत में शान भर। सबका मोमेंट हो गया भाई, सब जोश में थे। पर पैरों की लकीरें किस्मत बनाती, एक लाइक आवर प्रोडक्ट्स, हाउ डू यू लाइक द एनर्जी, हाउ डू यू यू नो, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। तो सबसे पहले वो लोग हाथ उठाएं जिनको लगा था मैं नहीं आऊंगा। तो आपको अब विश्वास है मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो आयुष को थैंक यू जरूर बोलना आप। और अब मैं आपको थैंक यू बोलूंगा क्योंकि जिस तरीके से आपने मुझे वेलकम दिया है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इवन टुडे वी ऑल आर फैंस ऑफ इट, सो हाउ डू यू मेंटेन दैट डिसिप्लिन, हाउ डू यू पुश योरसेल्फ, आप कैसे मेक श्योर करते हो कि वो डिसिप्लिन फॉलो हो? नहीं, लाइफ में डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी चीज़ होती है क्योंकि हर चीज़ में आपको डिसिप्लिन होना तो पड़ता है। यू नो, अगर मैं प्लान बनाऊंगा, सो वट एवर आई वॉन्ट टू अचीव, मैंने एक प्लान बनाई, बट अगर मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ तो मैं उस पाथ को फॉलो ही नहीं करूँगा। तो मैं प्लान बना लूँगा, बट उसके लिए जिस तरीके का एग्जीक्यूशन मुझे करना है, मैं अगर वो नहीं करूँगा तो फिर प्लान वेस्ट होता है। सो डिसिप्लिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और डिसिप्लिन हर छोटे से बड़ी चीज़ में होती है। कितने बजे मुझे उठना है, कितना टाइम मुझे जिम में बिताना है, कितना टाइम मिनिमम मुझे प्रैक्टिस करना है, किस तरीके का खाना खाना है। सो दिस इज ऑल डिसिप्लिन, एंड आई ऑलवेज फेल्ट दैट यू नो बीइंग डिसिप्लिन ऑलवेज हेल्प्स, एंड समथिंग एज स्मॉल एज यू नो बीइंग पंक्चुअल, कि टाइम से आप आओ, सही टाइम से, किसी को वेट मत कराओ, यू नो, सो ऑल दोज थिंग्स, स्मॉल स्मॉल थिंग्स एक्चुअली मेक्स अ बिग डिफरेंस। यू नो, इससे आप धीरे धीरे रियलाइज करोगे कि लाइफ में आप और ज़्यादा डिसिप्लिन होते जा रहे हो, एंड दैट डिसिप्लिन इन टर्न एट द एंड ऑफ द डे हेल्प्स यू अचीव द टारगेट। थैंक्स अ लॉट सर। सो हमने बिफोर, आई डोंट हैव अ नेम हियर बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द कंट्री, विल वी सी यू इन द स्टेडियम नेक्स्ट ईयर? देखिए, फिलहाल तो IPL में नए रूल और रेगुलेशन बनेंगे रिटेंशन के हिसाब से एंड ऑल ऑफ दैट, तो अभी उस पर काफ़ी टाइम है। जब वो रूल एंड रेगुलेशन बन के हमारे पास आएंगे उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। सो अभी बॉल हमारे कोर्ट में नहीं है, इट्स समवेयर एल्स, सो वंस रूल्स एंड रेगुलेशन गेट्स फॉर्मुलाइज उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। नो, जो टीम के लिए सबसे अच्छा डिसीजन होगा वो लेना पड़ेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल वॉन्ट द टीम टू डू वेल। सो रूल्स, रेगुलेशन, रिटेंशन, उन सब के हिसाब से हम देखेंगे कि व्हाट इज बेस्ट फॉर CSK एंड वी विल टेक द बेस्ट स्टेप फॉरवर्ड। द सेकंड क्वेश्चन, अगेन अ वेरी 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 पॉपुलर क्वेश्चन, कि सर आप इंस्टाग्राम पे एंड सोशल मीडिया पे बहुत ही कम एक्टिव हो, तो ऑल ऑफ अस वी वांट कि आप और ज्यादा एक्टिव हो, सो एनी पर्टिकुलर रीजन ये ऐसा है? आई एम नॉट अ, मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में नहीं हूँ, आई डोंट नो वाई, इन बिटवीन कोशिश भी करता हूँ बट वापस घूम फिर के वैसे ही हो जाता हूँ जैसा हूँ, यू नो, सो आई एम नॉट टू मच, बट कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले समय में थोड़ा ज़्यादा पोस्ट करूँ, यू नो, कुछ नई चीज़ें अपने बारे में पोस्ट करूँ। सो ट्रेंड थाला फॉर अ रीज़न,
यार मुझे तो खुद भी नहीं पता था, ये तो इंस्टाग्राम से ही पता चला. सो यू नो आई एम ग्रेटफुल फॉर माय फैंस, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा यू नो इंस्टाग्राम में या सोशल मीडिया में आके बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. यू नो जब भी ज़रूरत होता है फैंस डिफेंड मी, जब भी ज़रूरत होता है यू नो फैंस दे प्रेज मी, तो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. So this was also part of that. So I'm very grateful to my fans. मैं उतना ज़्यादा social media में active नहीं हूँ, but still they love the fact कि जब भी मैं post करता हूँ ना, they love it. They just wait for it and they love it. So grateful to them. एक बार आप बोल बोल क्या थला पर reason? चिढ़ाने के लिए भी, तो उसके लिए भी यूज करते हैं. सर हमें तो पॉजिटिव ही लगता है. नहीं तो मेरे फैंस दूसरों को चिढ़ाने के लिए यूज करते हैं. सर द नेक्स्ट क्वेश्चन भी एशियन पे ही है आप. एटलीस्ट मैं ये तो बोल सकता हूँ आपसे पहले मैंने पहन लिए नए जूते तो उनके साथ टाइम बिता सकूँ. सो होपफुली सून यू नो अगेन एक छोटा सा क्रू कट आएगा एंड देन यू विल सी मी अगेन. सो देखते हैं, क्योंकि कोविड के बाद थोड़ा मुश्किल हो गया था. यू हैव लाइक टू डेट एयर व्हील. हाउ मेनी बाइक्स डज माही हैव एंड व्हिच वन इज हिज फेवरेट? यार बहुत सारे बाइक है, क्यों बताऊँ कितने बाइक है. कल को कोई आ जाएगा मेरा दोस्त की यार इतने सारे बाइक है एक दे दो, तो मैं दे भी नहीं पाऊंगा. बहुत सारे बाइक है मेरे पास. Not only me, my bhai also. So how many pets do you have? I love dogs. अभी 8-9 डॉग्स है घर में, दो इधर उधर. खुद को इंक्लूड करूंगा तो नंबर बढ़ जाएगा. तो दैट वॉज द थिंग यू नो, जब पहली बार आई वॉन्टेड अ डॉग, सो माई मॉम एंड डैड, सो ऑफकोर्स मम्मी को ज़्यादा घर में रहना है, तो शी वॉज लाइक कि घर में एक तो ऑलरेडी है, अब क्यों लेके आना बाहर से. वो डायलॉग सबको मिलता है पहले. एंड दे आर द वंस हु लव देम द मोस्ट. तो अभी जैसे हम घर जाते हैं ना, तो रात को डिनर विनर ख़त्म करने के बाद, सो एक जो है वो घर के अंदर रहती है. सो मेरी मम्मी हाथ में रोटी लेगी, उसके ऊपर मलाई मलाई ऐसे करके उसको देगी, वो हाथ से खाएगी. हेलो. एंड देन शी विल गो अप एंड कोई ना बैठो. दे आर द वंस हु टॉन्ट अस बट दे लव देम द मोस्ट. मैंने सबको टैग करा था उस स्टोरी में. यार थोड़ा सा कैश क्रेडिट कार्ड एक्चुअली उसके अलावा कुछ सोच नहीं सकते. एशियन के शूज बट यू सेड ऑलमोस्ट एवरी टाइम. फेवरेट हॉबी टू रिलैक्स? मोटरसाइकिल बाइकिंग. सो वेदर आई गो ऑन अ राइड या गैरेज में बाइक के ऊपर काम करता हूँ. व्हाट इज योर फेवरेट डिश? इंडियन बटर चिकन. नहीं बोलना था क्या? नॉनवेज अलाउड नहीं है. वेजिटेरियन फेवरेट भी बता दीजिए. आलू का भुजिया. फेवरेट स्पोर्ट अदर देन क्रिकेट? बैडमिंटन, फुटबॉल, टेनिस. निकनेम योर फ्रेंड्स कॉल यू अपार्ट फ्रॉम माही? फ्रेंड्स कॉल मी मही माही, क्योंकि अब निकनेम जो है वो तो वही रहेगा ना. एक निकनेम तुमने हटा लिया है, तो अब नया निकनेम कहाँ से है? वन थिंग स्टिल ऑन योर बकेट लिस्ट? यू नो आर्मी में कॉम्बैट फ्री फॉल होता है. आई वांट टू डू दैट, बट उसके लिए बहुत लंबी ट्रेनिंग होती है. सो दैट समथिंग आई वांट टू डू. होपफुली नी ठीक रहेगा तो करेंगे, बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट. मोस्ट मेमोरेबल मैच? वर्ल्ड कप फाइनल. फोन कॉल और मैसेज? एक्शन वर्सेस रोमांटिक? एक्शन. बॉलीवुड और पॉलिटिक्स? बॉलीवुड. बट ये क्या एक्टिंग करना पड़ेगा? दोनों में इंटरेस्ट नहीं है. मुझे लगा एक पिक करना ही. साक्षी मैम और जीवा? यार कैसे पिक करें, घर में तो जाना है. अभी अगर पिक करके चला गया, जीवा को पिक किया तो बीवी नहीं घुसने देगी, बीवी को पिक किया कल जीवा बड़ी हो जाएगी, वो नहीं घुसने देगी. सो आई डोंट वांट एनी ट्रबल. ओके, सो दैट वाज इट फॉर आर्ट फ्रॉम आवर साइड. नाउ वी विल टेक सम.
भाई सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर 6-6 लाख हमी है सबसे छोटे छोटे भाई 1,18,000 भाई कभी हमारे 18,000 होंगे ये सोच रहा देखो भाई ये कुछ अभी एशियन वालों की तरफ से गिफ्ट है इसको देखते हैं बस में अनबॉक्स अरे बताना नहीं था कट कर दो सो भाई हम पहले से इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड थे आज हम ऑनलाइन नहीं आज हम ऑफलाइन मिल गए आज और कैसा कोइंसिडेंस था बट मजा आया अच्छा इवेंट था मजा आया भाई हां भाई दोबारा ठीक है ऑफलाइन दोबारा मिलने की कोशिश करेंगे बाकी भाई बात करेंगे भाई बैठे बैठे थक गए अब फिर से खाना खा ले थोड़ा सा स्नैक्स ले रहे भाई सो गाइस इवेंट हो चुका है हमारा ख़त्म और भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि भाई पहली बार महेंद्र सिंह धोनी सर को हमने ऐसे देखा सामने से पर मिल नहीं पाए वो अलग बात है क्योंकि भाई भीड़ इतनी ज़्यादा थी और लोग ऐसे थे तो नहीं मिल सकते ये कहीं ना कहीं हम सबके बचपन का हाँ भाई बचपन का ड्रीम रहता है कि भाई ऐसे मिलना तो पर मज़ा आया सच में बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही इवेंट काफ़ी अच्छा था इवेंट में मज़ा आया काफ़ी भाई इतने बड़े बड़े क्रिएटर इन्फ्लुएंसर सबसे मिले भाई अच्छा लगा भाई ये 2019 का कार्ड है मेरा मेट्रो का जब मैं 2019 में दिल्ली था और भाई इसमें अभी भी बैलेंस है वो भी 116 रुपये भाई देखो 2019 का कार्ड है तूफानी बारिश बच चुके हैं अगले दिन के 4 और भाई कल सुबह के 4 बजे से आज सुबह के 4 बजे तक जितनी सारी चीज़ें हुई जो भी एक्सपीरियंस था वो एकदम नेक्स्ट लेवल था गिफ्ट रह गया था जिसको अनबॉक्स करना रह गया था सो गाइस ये रहा हमारा गिफ्ट सो थैंक यू एशियन फॉर दिस गिफ्ट and this opportunity actually not only Asian I would like to thank you all because aap sabhi logon ki wajah se bhai ye sab mujhe experience karne ko mil raha hai aur ye sab opportunities mil rahi hain so bhai aap sabhi ka dil se shukriya keep loving keep supporting this is Mohitesh signing off